मजदूर के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है निहास, मसीरुद्दीन व शकील, इनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों की सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। विस्फोटक आदि भी कतल किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी उस पर उसको डेवलप किया। फिर घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिनहाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जेठा ब्राह्मण कला दुबकर थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिदुल्लापुर लखनऊ मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त निहास अहमद जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है के दुबका थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर प्रवेश की गई तथा अभियुक्त निहास घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्तौल बरामद हुई है जिसका विस्तृत वर्क या विवरण और पुलिस के लैंग्वेज में उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईडी को इंडिडियस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है।